हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के सभी फैमिली लोग, जितना भी फैमिली लोग देख रहे हैं, सभी को बहुत सा वेलकम और स्वागत करते हैं एक नए शानदार प्यारे क्लास में। तो आप लोग तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, और मैथ के लिए हमारा स्पेशल क्लासेस के लिए तैयारी कर चुके हैं। और आज हम लोग चलते हैं क्या, त्रिकोणमिति। अगर आज हम देखिए, आज हम जो फर्म आज जो हमको आपको श्रेणी मतलब तालिका पढ़ाएंगे, उस तालिका को अगर आप याद कर लिए, अगर जो आज हम तालिका को पढ़ाएंगे ना, उस तालिका को आप याद कर लिए, तो आप वहाँ पे क्या 100 में 100 100 में 100 ला सकते हैं। और इस तालिका से इतना बोलते हैं, तालिका से 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा कि इस तालिका से जो तालिका हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। तो इस वीडियो को सभी को, जो जितना भी 2025 में एग्जाम देने जाते हैं, सभी को वीडियो दबा के शेयर कीजिए, और लाइक से लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एकदम इस धमाकेदार क्लास में। तो हम लोग चलिए एक्सरसाइज 8.1 का पूरा कर चुके थे, और वो एक्सरसाइज 1.8.1 का पूरा वन शॉट हम डाउनलोड वन शॉट और PDF सब कुछ हम अच्छी मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग वहाँ पर से जब रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन भी भेज देंगे। यहाँ पे समझिए, हम लोग क्या पहले पहला पहला एक्सरसाइज वन में पढ़े थे क्या, टाइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे एक्सरसाइज वन में, टाइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंबटा आधार। अब यहाँ पे देखिए टाइम थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए हम टाइम थीटा बराबर 4 फार्मूला होगा, एक लंबटा आधार, दूसरा होगा लंब क्या बोले थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए दो गुट यहाँ पे याद कर लीजिए, अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे आएगा, देखिए साइन थीटा बराबर का मान क्या होता है, लंबटा कर्ण, तो लंब हो गया लंबटा कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कर्ण कट गया तो क्या हो गया आया लंबटा आधार आ गया। देखिए लंबटा आधार आ गया यहाँ पे, क्या आ गया यहाँ पे आ गया, तो इसी का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया टाइन थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखिए दूसरा में इसका उल्टा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार ऊपर चल जाएगा नीचे, उल्टा है इसका टाइन का उल्टा कॉट साइन थीटा का उल्टा कॉस साइन का कौशेक कौशेक का सेक कौशेक कौश का सेक कौश का सेक, अब टाइन का कॉट कॉट का टाइन, तो यहाँ पे आधार बटा लम, तो यहाँ पे लम तो ये ऊपर चल जाएगा नीचे चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला, ये तो पहले वाला है, ये क्या है पहले वाला, दो फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग को हम इसमें बता रहे हैं, वो फार्मूला याद रखिएगा, और फिर आप लोग को तालिका पढ़ाएंगे, तालिका को 2 से 3 बार जितना बार हो सके हम उतना बार रिविजन आप लोग को मराएंगे। इससे किस लिए बहुत, अगर आप ये सीख गए तो 8.2 का कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा, आप लोग पूरा का पूरा बना दीजिएगा, बस आप लोग समझिएगा और कुछ नहीं, आप लोग समझिए बहुत कुछ है, आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत हार्ड है, बस आप लोग समझ जाइएगा, इतना मेरा गारंटी है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझा देंगे। ये देखिए तीसरा फॉर्मूला होता है साइन, यहाँ पे साइन थीटा था, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया, क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया, तो 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला याद रख लीजिएगा, बस ये दो तो आप पहले हम पढ़ा दिए थे, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए 3 फार्मूला यहाँ पे हो गया, अब हम लोग चलिए तालिका पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं तालिका, यहाँ तक तो 3 फार्मूला हम आप लोग को बता दिए हैं, देखिए हम लोग क्या पढ़ाएंगे अब, यहाँ पे देखिए हम आप लोग को तालिका पढ़ाने जा रहे हैं, तालिका आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग समझिए कि
आठ से दस नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। बस आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा बाबू, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। अब जितना हमसे होगा उतना हम आप लोग को मदद करेंगे, और आप लोग को पूरा 2025 में जितना भी क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा हम आप लोग को लड़ा देंगे मैथ वाला, इतना मेरा दावा है। बस आप लोग बस जो देते हैं वो रिविज़न कीजिए, रिविज़न मारिए, और जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं वो सही इसी प्रकार से आप लोग पढ़िए, बेहतर आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। और हम तो इतना बोलते हैं नॉर्मली 400 प्लस कर जाइएगा, मैथ में तो 90 प्लस करवा ही देंगे, मेरा टारगेट 100 में 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तालिका में क्या हो गया, हम लोग देखिए तालिका में क्या पढ़े, हम लोग ठीक जी कहता है त्रिकोण मिति अनुपात कितना होता है, अच्छा कौन कौन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा। तो हम पहले तालिका में देखिए लिख लेते हैं क्या लिखते हैं, जो होता है यहाँ पे देखिए कोण ए, कोण मतलब यहाँ डिग्री का मान दिया रहेगा, क्या मान दिया रहेगा डिग्री का मान, यहाँ पे क्या होता है पहला साइन थीटा, सॉरी बढ़िया से पाते हैं कि देखने में भी लगे क्या तालिका पा रहे हैं, पहला देखिए साइन थीटा, अगर आप लोग तालिका पर समझ जाइएगा तो आप लोग को पूरा से पूरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए कोण, क्या कोण कोण मतलब समझिए, देखिए अब आपसे कोई पूछता है क्या साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो हम लोग को पता नहीं है कि साइन 60 है कॉस 60 का क्या मान। आप लोग देखिए आप एक चीज़ याद रखिएगा ना, तो आप पूरा का पूरा आप कुछ नहीं आप यह याद रखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग बढ़ते की ओर चलते हैं, पहले क्या होता है साइन 0 डिग्री साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसा ही हम लोग को पढ़ने का कहाँ तक आता है मालूम है 360 डिग्री तक, पर टेंथ तक आप लोग को बस इतना ही उपयोग होता है, इतना ही आप लोग पढ़िए। आप लोग ट्वेल्थ में एलेवंथ में जाइएगा तो आप लोग पूरा पढ़िएगा 360 डिग्री तक, इन मैट्रिक में 90 डिग्री तक ही रहता है, तो 90 डिग्री तक हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा आप लोगों को, जिससे सिलेबस में जितना से पूछता उतना ही से। देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या बोला कि जीरो से बढ़ते हुए जा रहा है, जीरो डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, तो जीरो से हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 यहाँ पे देखिए जितना कितना से स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट किए तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक गया, कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा देंगे हर सब में, 4 से भागा देंगे सब में, जहाँ तक गया कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा दिए, अगर 8 तक जाता तो 8 से भागा देते, पर गया कहाँ तक 4 तक, तो 4 से भागा दिए। यहाँ पे समझिए अगर आप साइन का निकाल लीजिएगा तो साइन का क्या होगा, साइन का मान तो साइन का उल्टा कौशेक, अब कौशेक निकालना है तो क्या साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन जो साइन 90 का मान है वो साइन 0 का, साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान होगा। यहाँ पे समझिए गिनती कहाँ से, यहाँ से क्या होता है 0 से, 0 से स्टार्ट किए तो 0 1 2 3 4 कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा दे दिए, अगर 5 तक जाता तो क्या कै गो है लाइन 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5, तो पहला नियम पहला क्या करना है 0 0 से स्टार्ट है तो 0 से हम लिखते चल गए गिनती को, कहाँ कै गो है तो 4 तक, तो 4 तक लिख लिए 0 1 2 3 4, तो 4 तक लिख लिए, कहाँ तक लिखे 4 तक, तो 4 से भागा देना है तो 4 से भागा दिए, तो 4 से भागा देने के बाद अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 4 से भागा दे दिए, भागा देने के बाद सभी में रूट उड़ा दीजिएगा, क्या
रूड बढ़ा लीजिएगा अपने मन से। आप लोग इस नियम से काम कर रहे हैं कि जीरो जीरो है तो जीरो से स्टार्ट किए, जीरो एक दो तीन चार याद कीजिएगा, भुला जाएगा। अभी आप याद कीजिएगा क्या साइन जीरो का मान जीरो, साइन तीस डिग्री का मान एक बोला दो, ऐसे याद कीजिएगा भुला जाइएगा। आप ट्रिक याद रखिए कि जीरो से स्टार्ट है, जीरो से स्टार्ट किए एक दो तीन चार, कहाँ तक गया चार तक, तो चार से भागा दिए, पाँच तक गया तो पाँच तक भागा देते, तो चार तक गया तो चार से भागा दिए। अब यहाँ पे एक रूट ओढ़ा रही हैं तो रूट ओढ़ा रही हैं तो जीरो बटा चार तो क्या हो गया जीरो, एक बटा चार को भागा रही हैं तो एक बटा चार तो एक बटा चार ही आ जाएगा। अब काट नहीं है क्या हो गया, तो यहाँ पे एक बटा दो आ गया, क्या आ गया एक बटा दो। अब यहाँ पे देखिए तीन बटा चार है तो तीन बटा चार है तो तीन बटा चार होगा, अब चार चार कट गया तो कितना आया एक। अब ये रूट हटाइए, जीरो रूट से बाहर आएगा तो जीरो, एक बटा दो तो चार का वर्गमूल दो तो एक बटा दो, अब यहाँ पे एक बटा दो तो एक रूट से बाहर हो गया तो एक आ दो तो रूट दो हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट थ्री चार का वर्गमूल दो तो दो, अब यहाँ पे एक का वर्गमूल तो एक, रूट से बाहर निकाले तो क्या आ गया देखिए जो मान है जीरो, एक बटा टू बढ़ रहा है लग चल जाएंगे बढ़ते हुए जा रहा, एक बटा रूट टू रूट थ्री बटा टू वन। देखिए मेरा आंसर तो कैसे निकल गया, पहले देखिए यहाँ से जीरो से हम स्टार्ट किए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर पहले हम क्या निकालें साइन थीटा, तो साइन थीटा में बराबर हम नहीं जानते कुछ, तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किए, कितना डिग्री से स्टार्ट किए जीरो डिग्री से स्टार्ट किए, जहाँ तक जाएंगे उससे भागा देना, जहाँ तक जाएंगे उससे भागा देना, और जीरो से किस कहाँ से स्टार्ट किए जीरो डिग्री, तो साइन जीरो डिग्री से स्टार्ट किए तो जीरो एक ऊपर में जीरो एक दो तीन चार, तो चार तक चल गया। अब चार तक गया तो चार से भागा देंगे, अगर पाँच तक जाता तो पाँच से भागा देते, तो चार तक गया तो चार से भागा दिए, चार 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 से भागा दिए, तो चार से भागा दिए, तो यहाँ पे देखिए चार से भागा दे दिए। अब सब में अब एक हम अपने योर से एक हम अपने खुर से रूट उड़ा दिए, बस रूट उड़ा दिए। अब रूट उड़ाने के बाद जितना जितना जो मान आया उसको लाइनिए से सरिया दिए, तो जिसको जितना मान है जीरो तो जीरो पहले लिख दिए, एक बटा टू आया तो एक बटा टू, तो बढ़ते क्रम में हम जैसे मान आया उसे लिख दिए, जैसे मान आया उसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए अब ये वाला उल्टा होगा, ये एक हो जाएगा इसका मान, ये एक हो जाएगा इसका मान, अब ये वाला इसका मान उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला है ना गिनती है जो ऐसे हो जाएगा, पहले एक हो जाएगा फिर रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री बटा टू फिर एक बटा रूट टू फिर एक बटा टू, कौश के लिए कौश कौश के लिए साइन का उल्टा जाएगा, कौश क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कौन उल्टा होगा ए वाला दाएं बाएं, कौन उल्टा होगा दाएं बाएं, तो दाया वाला बायां, बायां वाला दाया, दाहिना वाला बायां, बायां वाला दाया, क्या होगा दाया वाला बायना, बायना वाला दायां, दो इधर है तो दो दो इधर है तो दो उधर चल जाएगा, अगर चार इधर है तो चार उधर चल जाएगा, अगर तीन इधर है तो तीन उधर चल जाएगा, अगर चार इधर है तो चार इधर चल जाएगा, क्या दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। अब इसमें अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा कि सर साइन का उल्टा कौशे होता है, तो कौशे होता है क्या, कौशे कैसे होता है दो बटा एक है तो यहाँ पे एक बटा दो होगा, पर ये कौन उल्टा हो रहा है यहाँ पे दो बटा एक है, क्या है यहाँ पे दो बटा एक है, तो यहाँ पे दो बटा एक है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा दो बटा, यहाँ पे देखिए दो लिए दो ले लिए दो बटा एक हो गया, अब यहाँ पे तीन हो गया तो तीन बटा एक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले दो बटा एक आएगा फिर उसके बाद तीन आएगा, यहाँ पे जैसे है वैसे ही आएगा, यहाँ पे देखिए दो है तो दो तो कुछ नीचे कुछ नहीं तो नीचे एक होगा तो एक बटा दो, और यहाँ पे दो, तो देखिए दो कैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे दो यहाँ पे मानिए जीरो डिग्री का मान है तीस डिग्री का मान है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा कौश हो गया, अब यहाँ पे साइन का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कौश हो गया, साइन का उल्टा कौशिक हो गया, साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक में ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, अब यहाँ पे साइन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा सेक वाला साइन का उल्टा, यहाँ पे साइन का उल्टा, यहाँ पे देखिए साइन नब्बे डिग्री का मान साइन जीरो डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पे उल्टा किए तो उल्टा किए क्या आया पहले एक आया तो एक दे दिए, फिर रूट टू रूट थ्री बटा टू आया फिर एक बटा रूट टू आया फिर एक बटा दो आया फिर जीरो आया, ठीक यहाँ तक आप लोगों को बेहतर तरीके समझ में आया, आया कि नहीं आया बताइए आप लोग। देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, वहाँ कौशिक में क्या होता था ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, वहाँ पे देखिए
यहीं पे कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा। क्या नहीं कन्फ्यूजन खाइएगा कि साइन का उल्टा कौशिक भी होता है, साइन का उल्टा कौशिक भी होता है और कौस भी होता है, साइन का उल्टा कौशिक भी होता है और कौस भी होता है। क्या होता है? साइन का उल्टा कौशिक भी होता है, कौस भी होता है। पर कौशिक कौशिक होता है तो कब होता है? जब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और वाला उल्टा होता है। पर कौश में क्या होता है? दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। क्या होता है? दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। ऐसा ही देखिए, दायां वाला एक साइड कौन है? दाहिना हो गया, तो दाहिना वाला क्या हो गया? बायां आ गया। दाहिना में लास्ट में क्या एक है? तो बायां में लास्ट में आ गया एक। अब यहाँ पे देखिए, रूट थ्री बटा टू है, दायां में दूसरा में है, तो दायां में दूसरा में भी आ गया ये वाला, बायां में दूसरा में आ गया। अगर यहाँ पे देखिए, रूट बटा थ्री है तीसरा में, दायां में, तो दायां में भी आ गया, बायां से गिनेंगे एक दो तीन, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए, दायां से एक, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक दो, तो बायां से दो में है, तो यहाँ पे दायना में दो में होगा, तो दायना में दो में है। समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे बस यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कौशिक कौशिक साइन का उल्टा कौशिक भी होता है और कौश भी होता है। तो कौशिक जब कब होता है? जब दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। कौशिक कौश जब ही तभी उल्टा हो सकता है जब डिग्री का मान पूछे, जीरो डिग्री का मान पूछे, तीस डिग्री का मान पूछे। याद करने से बेहतर है कि आप लोग समझिए, आप लोग समझ जाइएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइन थीटा, तो टाइन थीटा फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या? टाइन थीटा, तो टाइन जीरो डिग्री के मान, तो साइन जीरो डिग्री के मान हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन का थीटा का मान कितना है? साइन जीरो डिग्री मान, कॉस जीरो डिग्री मान, तो कॉस जीरो डिग्री मान, तो यहाँ पे जीरो, तो जीरो बटा एक। क्या हो गया? जीरो बटा, जीरो बटा, जीरो बटा एक, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे एक। साइन यहाँ पे देखिए, दो को निकाल लिए, दो को निकाल लिए, अब आराम से सब अपने आप निकल जाएगा। दो का निकाल लिए, खुद अपने आप निकल जाएगा। देखिए अब टाइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अब अगर पूछे आपसे टाइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो टाइन 30 डिग्री, तो टाइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान एक बटा रूट टू, और कॉस 30 डिग्री का मान रूट थ्री बटा टू। तो टू टू कट के तो क्या आया? एक बटा रूट थ्री। तो यहाँ पे मेरा देखिए आंसर आ गया, साइन 30 डिग्री का मान आ गया। जो देखिए जो मान पूछे यहाँ पे, साइन 30 डिग्री का मान, तो कॉस साइन, साइन 30 डिग्री का मान पूछे, तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री का मान बैठा दीजिए, और दोनों को काट के जितना आंसर आया वो मान बैठा दीजिए। यहाँ पे क्या आया? जीरो बटा एक। तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना आया? एक बटा रूट थ्री। अब यहाँ पे देखिए, दो का तो हो गया टेन, अभी 45 डिग्री का मान निकालते हैं, टेन 45 डिग्री का मान, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, तो साइन वन बटा रूट टू, वन बटा रूट टू, तो वन बटा रूट टू, वन बटा रूट कट गया, क्या आ गया? एक। कितना आंसर आया? एक। जो आंसर आया वो आंसर हम लिख दिए। क्या आया? साइन 45 डिग्री का मान एक। देखिए दोनों का कट गया, क्या आया? एक आंसर। आंसर आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक, 45 डिग्री का मान निकाल गया। अब हम लोग चलते हैं क्या 60 डिग्री पर, कॉस थीटा। तो कॉस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? रूट थ्री बटा टू, और यहाँ पे एक बटा टू, तो टू टू कट गया, तो क्या आंसर आया? रूट थ्री। यहाँ पे रूट थ्री दे दिए। अब यहाँ पे देखिए एक बटा जीरो, अब एक बटा जीरो, तो जीरो का कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया? एक बटा जीरो, ये अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? एक बटा दो, एक बटा जीरो बटा एक बटा जीरो होता है? नहीं, जीरो बटा एक होता है, पर एक बटा जीरो नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए कौशिक, यहाँ पे देखिए कौशिक, कौशिक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो कौशिक, कौशिक क्या है? साइन जीरो डिग्री का मान जीरो, तो जीरो का मान क्या हो गया? जीरो बटा, इसको कौन है, जीरो बटा एक लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो गया? एक बटा जीरो, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, एक बटा जीरो, तो ये भी आप परिभाषित हो जाएगा, ये भी आप परिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौशिक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान एक बटा दो, तो एक बटा दो, तो दो ऊपर चल जाएगा, एक बटा दो, तो इसका दो ऊपर चल जाएगा, तो दो बटा एक, तो दो आएगा, कितना आ गया?
दो कितना आ गया ऊपर दो इस साइन, बट साइन का उल्टा कौशिक, तो कौशिक में कौशिक हो गया। तो आप ये देखिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर चल गया दो तो नीचे एक, तो एक लिखा नहीं जाता। आप देखिए एक बटा रूट टू है, एक बटा रूट टू है, तो रूट टू ऊपर चल जाएगा, रूट टू ऊपर चल जाएगा। अब साइन कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री के बाद साइन 60 देखेंगे, रूट थ्री बटा, यहाँ पे देखिए रूट थ्री बटा टू, तो टू बटा रूट थ्री ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो टू बटा रूट थ्री, टू बटा रूट थ्री। यहाँ पे आप लोग को हल्का धुंधला सा नजर आएगा तो आप लोग को PDF में भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक क्या आ गया, एक तो नीचे कुछ नहीं, तो एक तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा एक आंसर। यहाँ समझ में आ गया आप लोग को? ठीक, अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कौशिक, कौशिक का मान यहाँ पे साइन का उल्टा, साइन कितना, साइन 90 डिग्री का मान कितना, एक। अगर एक है तो इसका नीचे में हम लिख सकते हैं एक, तो एक बटा एक, तो एक ऊपर चला जाएगा, तो एक नीचे, तो क्या हो जाएगा एक। यहाँ पर समझ में आ गया एक। अब देखिए सेक, सेक तो सेक किसका होगा, कौशिक का उल्टा, तो 0 डिग्री का मान कितना है एक। अब इसका कुछ नहीं नीचे में एक, तो इसका ऊपर एक कर देंगे एक, तो नीचे भी एक, तो कितना आ गया एक। अब यहाँ पे देखिए सेक कितना, 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया, रूट थ्री बटा टू, तो सेक 30 डिग्री का मान रूट थ्री बटा टू। तो यहाँ पे जिसका मान क्या हो जाएगा, टू ऊपर चल जाएगा और रूट थ्री नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बटा रूट थ्री आ गया। अरे अब देखिए सेक 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान एक बटा रूट टू, तो रूट टू पर चल जाएगा नीचे एक, तो नीचे एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे रूट टू आ गया। अब देखिए सेक 60 डिग्री के मान निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री के मान देखेंगे, तो कॉस 60 डिग्री के मान क्या है, एक बटा रूट टू, तो एक बटा रूट टू है, तो टू ऊपर चल जाएगा एक नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू, खाली टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीरो है, तो जीरो है तो नीचे जीरो है और नीचे कुछ नहीं, एक, तो ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक बटा जीरो, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ तक देख लिए सेक का मान। अब कॉट निकालेंगे, तो कॉट किसका उल्टा है, तो टेन का, तो टेन का टेन की टेन 0 डिग्री का मान कितना है, टेन 0 डिग्री। अब जीरो बटा एक है, तो यहाँ पे जीरो, तो एक ऊपर चलेगा जीरो, एक बटा जीरो, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान काउट कर, 30 तो 30, तो 30 डिग्री के मान क्या, एक बटा रूट टू, तो रूट थ्री, तो रूट थ्री ऊपर चल जाएगा एक नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट थ्री। देखिए यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा, इधर इधर है जो 30 डिग्री का मान है, और इधर हम निकाले कॉट 30 डिग्री का, इधर 0 डिग्री का मान है, यहाँ जी निकाले हम जीरो, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी 30 का मान निकाले। अब यहाँ पे 45 पर चलते हैं, तो 45 का क्या है एक, तो कुछ नहीं नीचे में एक, तो एक बटा एक, तो इसका भी एक बटा एक, तो क्या हो जाएगा इसका भी एक। अब यहाँ पे 45 हो गया। अब 60 पे चलते हैं, तो टेन 60 डिग्री का मान रूट थ्री, तो नीचे में कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, तो नीचे ऊपर एक और नीचे रूट थ्री, तो एक बटा रूट थ्री आ गया, क्या आ गया एक बटा रूट थ्री। अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का मान, तो टेन 90 डिग्री, तो एक बटा जीरो, तो जीरो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चलाएगा, जीरो ऊपर चला जाएगा नीचे, एक नीचे चलाएगा, तो जीरो बटा एक, तो जीरो क्या आ गया जीरो, यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक तो आंसर आ गया आप लोग, यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। और यहाँ पे आ गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम बोले साइन का उल्टा कॉस भी हो, साइन का उल्टा कौशिक होता है और कौश होता है। कौश कब होता है, जब दाएं से बाएं, दाएं वाला बाएं हो, बाएं वाला दाएं हो। कौश कब होता है, दाएं वाला बाएं हो, बाएं वाला दाएं हो। पर ये कौन होता है, कुछ कहता है कौशिक, कौशिक कब होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे नीचे वाला ऊपर, अगर 2/4 है, 2/4 है, 6/8 है, तो इसमें देखिए 2/4 है, इसका देखिए ये साइन थीटा हो गया, क्या हो गया साइन थीटा। अब यहाँ पे हमको बदलना है कौश थीटा में, यहाँ पे बदलना है कौशिक थीटा में, तो पहले कौशिक, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 4/2 हो गया, अब 8/6 हो गया, तो इसमें क्या होगा ये वाला पहले आ जाएगा,
लास्ट में जो है वो पहले आ जाएगा, 6/8 2/4। देखिए इसमें ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और इसमें दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान होगा, साइन 90 डिग्री का मान कॉस 90 0 डिग्री का मान। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान होगा, ठीक। अब यहाँ पे 45 45 मिल गया। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे कौशे कौश 60 डिग्री का मान। अब यहाँ पे 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान। समझ में आया, यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन कोई पूछे, क्या पूछे, साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। अब आपसे पूछ दे कॉट 60 डिग्री का मान बताइए, तो कॉट 60 डिग्री का, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना है, टेन 60 डिग्री का मान √3 है, तो 1/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√3। यहाँ चलते आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आप लोग को और बेहतर तरीके से और बेसिक से समझा देते हैं, क्या समझाते हैं बेसिक से। अब इस क्वेश्चन में और कराएंगे साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 कितना हो गया 2 LCM, तो 1+1 तो 2/2, तो 2 कट गया, तो कितना आया आंसर, 1। क्या आंसर आया, 1 आंसर यहाँ पे आ गया। अब आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, तो अब हम लोग चलते हैं आगे वीडियो में। अगर आपसे पूछ दे क्या साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1 आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ समझ में आ गया, चलिए आज तक कितना ही जानने देते हैं आज इस पूरा एकदम बेसिक से बेसिक। अगर इस क्लास में आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये बहुत मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव है, इसमें बहुत सा क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा, साइन 30 डिग्री मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री मान कितना होगा, इसमें 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। और आप लोग को और आगे इसी में पूरा चैप्टर 8.2 का पूरा आधारित है, और आप लोग को पूरा बेसिक समझाएंगे। आज तक कितना ही जानने देते, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले भी लेक्चर में।